हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ हेल्थ। और एक बार फिर से मैं आपके साथ हूँ स्वरांजलि। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि खाना खाते वक्त आपको ये पांच गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। खाना खाते वक्त इन पांच गलतियों से बचना चाहिए। ऐसा करने से आप जोड़ों में दर्द, मोटापा, गैस, एसिडिटी, कब्ज आदि 148 तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं वो कौन सी पांच आदतें हैं जो आपको छोड़ देनी चाहिए खाना खाते वक्त। नंबर एक, खाना खाते वक्त आपको टीवी या मोबाइल नहीं देखना चाहिए। इससे आपका माइंड मोबाइल या टीवी की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, आपका ध्यान खाने की तरफ नहीं होता है, जिससे आप खाना ज्यादा खा लेते हैं और आपको मोटापा और गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे आपका डाइजेशन खराब हो जाता है। नंबर दो, खाना खाते वक्त आपको बार बार ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए और खाना खाने के आधे घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं। खाना खाते वक्त ज्यादा पानी पीना भी डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। नंबर तीन, खाना खाते वक्त कुछ लोगों की आदत होती है कि वो ज्यादा बात करते हैं, चाहे वो फोन पे हो या आपस में बात करना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए, ये भी एक कारण होता है डाइजेशन खराब होने का। नंबर चार, आजकल की लाइफ में किसी के पास टाइम नहीं है कि वो आराम से खाना भी खा सके, इसलिए लोग नाश्ता और खाना भी जल्दबाजी में खाते हैं। जो खाना आपको 20 से 25 मिनट में खाना चाहिए वो आप 5 मिनट में ही खा लेते हैं। खाना खाने का सही तरीका होता है कि आप खाने को चबा चबा के खाएं और धीरे धीरे खाएं। इससे आपके डाइजेशन की समस्या खत्म हो जाती है और कई प्रकार की बीमारियों से आप बचे रहते हैं। नंबर पाँच, खाना खाते वक्त आप इस अवस्था में ही बैठ के खाना खाएं। कुछ लोग होते हैं जो खड़े खड़े ही खाना खा लेते हैं या फिर चलते फिरते भी कुछ खाते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो यदि आप ये पांच गलतियां नहीं करते हैं तो आप कई प्रकार की बीमारियों से बचे रहते हैं और आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है, आप खुद को फिट एंड फाइन महसूस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय गाइज़।